नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर आज अगेन आपके साथ थर्ड क्वेश्चन सीरीज का सेशन जिसमें हम आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आज का सेशन तो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है क्योंकि इस सेशन में हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी ऐड करने की कोशिश की है ताकि जो न्यू इनिशिएटिव है और नई जो करंट अफेयर की जो आपके पार्ट हैं वो भी आपके सेशन के साथ आपके कवर होने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आप लोग भी इन सेशन के साथ इनको कवर करते रहें और किस प्रकार के क्वेश्चन इन नए स्कीम या नए आपके कंपनियों से बन सकते हैं तो वो भी आपको हेल्प कर सकें और इसी के साथ आपको रेगुलर यहां पर आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में ही अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका लिंक दिया गया है और इसी के साथ अगर आप किसी भी पेड कोर्स में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप उनके थ्रू हमारे किसी भी जैसे कि रिसेंटली

सकते हैं एफ के लिए भी एडीओ के लिए भी तो इन क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में यहां पर जो है डिस्कस किया जाएगा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है कि रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट कि आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि साउदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है वो कहां पर लोकेटेड है तो देखो कई बार आपका शहर का नाम पूछ लिया जाता है कई बार आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वहां पर आपका पर्टिकुलर राज्य का नाम पूछ लिया जाता है स्टेट का नाम पूछ लिया जाता है तो ये आपका यहां पर जो क्वेश्चन है तो उसको जल्दी से पढ़ो इसके अंदर क्या बताया गया है कि आपका जो साउदर्न रीजन है फार्म मशीनरी और उसका टेस्टिंग और जो ट्रेनिंग सेंटर वो कहां पर लोकेटेड है आपका विश्वनाथ चरियाली में प्रेजेंट है या अनंतपुर में प्रेजेंट है हिसार में प्रेजेंट है या आपका बुडनी में प्रेजेंट है कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड इवनिंग बहुत सारे बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट किया है लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चों का आंसर नहीं आया है प्लीज़ आप लोग आंसर कीजिए यार सही गलत बात की बात है सही होगा तो अच्छी बात है सक्सेस पॉइंट गुड इवनिंग सिसार आंसर बहुत बढ़िया अविनाश ने डी किया है अभिमाली ने डी किया है जूही गुप्ता ने डी किया है श्री कैथम ने अनंतपुर किया है और देव डी ने सी किया है नदीम ने डी किया है सरनजीत सिंह ने सी किया है और अक्षय ने बी किया है अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग देखिए जितने भी आपके इंस्टीट्यूट है ये रहे चारों के चारों इंस्टीट्यूट और अगर हम बात करें तो हमारा जो साउदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये आपका हिसार में कैसे हो सकता है ठीक है बुडनी में कैसे हो सकता है साउदर्न तो साउदर्न रीजन में रहेगा ना तो साउदर्न रीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है आपका आनंदपुर आपके आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है वहीं अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका रीजन है ये विश्वनाथ चरियाली आसाम में प्रेजेंट है उसी के साथ नॉर्थर्न रीजन जो इंस्टीट्यूट है ये हमारा हिसार हरियाणा में प्रेजेंट है और सेंट्रल फार्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है आपका मध्य प्रदेश बुडनी में प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है नॉर्थ ईस्टर्न जो होगा वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा तो वहां पर अगर हम बात करें तो आसाम और आसाम में कौन सा विश्वनाथ चरियाली में लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके नॉर्डर्न में तो नॉर्दर्न रीजन में आपका हिसार हरियाणा ठीक है तो वो आपका यहां पर हो गया साउदर्न की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के अंदर कहां आपका अनंतपुर में और उसी के साथ में सेंट्रल क्योंकि बीच में जो आपका है वो कौन सा है बुडनी मध्य प्रदेश ठीक है तो ये यह आपका यहां पर क्या रहेगा अनंतपुर जो है आपका आंध्र प्रदेश नेक्स्ट यहां पर आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग आंसर कीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया है भारत ऑर्गेनिक इज ए ब्रांड अंडर डैश टारगेटिंग ए ट्रस्टेड पोजीशन इन इंडियन आ, इन इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनिक मार्केट मतलब है कि भारत ऑर्गेनिक जो ब्रांड आपका है वो किसके अंडर में स्टार्ट किया गया है भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के बारे में आप लोग अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट टाइम में आपका इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर ऑर्गेनिक जो मार्केट है उसको डेवलप करने के लिए ऑर्गेनिक जो मार्केट है उसमें आपका फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए आने वाले टाइम में और बहुत सारी जो जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए इसको को भी तो आप लोग जानते होंगे तो आप लोग जल्दी से बताइए कि ये भारत ऑर्गेनिक जो ब्रांड है वो किसके अंडर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में है?

सूर्या ने किया है एन सी ओ एल यानी कि सी नदीम ने डी किया है सरनजीत ने भी डी किया है जूही गुप्ता ने भी डी किया है वेरी गुड बहुत बढ़िया शरद ने बी सी किया है मनीचंदन ने डी किया है ओके uh, okay. बहुत बढ़िया देखिए आप लोग आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे डी को लेकिन डी आपका एक गलत आंसर है सही आंसर आपका क्या होगा नेशनल को ऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड जो कि रिसेंटली आपका डेवलप किया गया है और इसी के अंडर में भारत ऑर्गेनिक ब्रांड को आपका एस्टेब्लिश किया जा रहा है और ये भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के अंडर में आपके ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होंगे ऑर्गेनिक जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होंगे उनको क्या किया जाएगा आपका मार्केटिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा उनको जो है सेल किया जाएगा और आने वाले टाइम

जो है एड्रेस uh, किया गया था जिसका मेनली यही टारगेट था कि अभी इसके अंडर में सिक्स प्रोडक्ट आपके जो भारत ऑर्गेनिक ब्रांड है उसके अंडर में इसको लॉन्च uh, किया गया है और ये सिक्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके हैं तुर दाल चना दाल सुगर राजमा बासमती राइस और आपका यहाँ पर जो है सूरी राइस और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये आपका जो मदर डेयरी का सफल आउटलेट है उसके अंडर में या उसके अंडर में इसको क्या किया जाएगा आपका जो है सोल आउट किया जाएगा एज वेल एज इसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी इसको आपका बेचा जाएगा लेकिन अगर हम बात करें तो सफल आउटलेट के साथ साथ इसको आपका जो है एनसीओल के जो आपके यहाँ पर फोर प्रमोटर हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं इस आपके पर्टिकुलर कोऑपरेटिव को तो वो आपके हैं अमूल एन आपका नेफेड और यहां पर एनसीडीसी ठीक है तो इनके द्वारा भी क्या किया जाएगा इसको यहां पर प्रमोट किया जाएगा और इनके अंडर में जो आपके स्टोर हैं वहां पर भी भारत ऑर्गेनिक जो आपका ब्रांड है उसके प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा आउट किया जाएगा एज वेल एज अगर हम बात करेंगे तो भारत ऑर्गेनिक ब्रांड जो है वो आपका नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के अंडर में आता है और ये आपका यहां पर अगर हम बात करेंगे तो नेशनल कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है आपका दो दो एक्ट जो आपका है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसके अंडर में इसको जो है आपका अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया है अब देखो अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आज इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तीन कोऑपरेटिव को एस्टेब्लिश किया गया है ये तीन कोऑपरेटिव कौन-कौन से हैं आगे हम बात करेंगे लेकिन उसमें से एक कोऑपरेटिव कौन सा है आपका यही है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड तो ये जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक प्रकार से मार्केट अवेलेबिलिटी करवाने के लिए इसको आपका कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव को लॉन्च किया गया है और इस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका आनंद गुजरात में है अब अगर हम बात करें तो ये जो आपका यहां पर है इसको मेनली जो प्रमोट किया जा रहा है वो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है यानी कि वैसे तो हमारे <laughs> इसके चार आपके यहां पर क्या है प्रमोटर है लेकिन इसका जो मेन प्रमोटर है या चीफ प्रमोटर है वो कौन है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है 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 इसका चीफ प्रमोटर प्रमोटर कौन है या कौन या मेन तो वो आपका कौन होगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होगा इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंडर में मेनली आपके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट करने के लिए और उनको जो है मार्केट आपका डेवलप करवाने के लिए इसको क्या किया गया है आपका लाया गया है एज वेल एज अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो आपका 50 परसेंट जो प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर आपके मार्केटिंग के द्वारा या आपके प्रोडक्ट की सेलिंग के द्वारा उसका 50 परसेंट डायरेक्टली किसको ट्रांसफर किया जाएगा जो इसके मेंबर फार्मर्स होंगे उनके अकाउंट में इसको डायरेक्टली क्या किया जाएगा आपका ट्रांसफर किया जाएगा एज वेल एज अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या क्या किया जा रहा है तो इसमें सबसे पहले आपका यहां पर एग्रीगेशन मतलब जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ में यहां पर कंबाइन करना उसके बाद में उनको सर्टिफाइड करना उनका प्रोडक्शन करना उनकी टेस्टिंग करना उनका प्रिक्योरमेंट

भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि क्रिपको के द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड के द्वारा गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि जीसीएमएमएफ के द्वारा और आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीडीसी के द्वारा और यहां पर ये सारे के सारे प्रमोटर तो है लेकिन इनमें से जो चीफ प्रमोटर है वो कौन है आपका गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जैसे कि आपका यहां पर अगर प्रीवियस जो आपका प्रोग्राम था नेशनल कोऑपरेटिव ऑफ ऑर्गेनिक आपका Limited, तो उसके लिए जो मेनली चीफ प्रमोटर है वो कौन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है समझ में आया तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कौन है चीफ प्रमोटर आपका यहां पर जी सी यानी कि आपका गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अब देखो जो आपका यहां पर एनसीएल का टोटल जो इनिशियल कॉप्स फंड है वो कितना है 500 करोड़ है और इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो टोटल 100 करोड़ इसमें से अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हर एक प्रमोटर के द्वारा दिया गया यानी कि टोटल जो फाइव प्रमोटर है उन्होंने हंड्रेड हंड्रेड करोड़ करके टोटल आपका फाइव करोड़ जो है यहां पर आपका इनिशियल कॉप्स फंड है इसके लिए एस्टेब्लिश किया है और इसके साथ में जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है इसका कितना बनाया गया है टू करोड़ बनाया गया है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एनसीएल जो है वो मेनली आपका क्या काम करेगा

कोऑपरेटिव uh, है ये क्या है आपका भारतीय बीज सहकारी तो भारतीय बीज सहकारी प्रमोट किया जा रहा है इफको क्रिपको नेफेड और नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और आपका एनसीडीसी के द्वारा लेकिन इसमें जो चीफ प्रमोटर है वो कौन है आपका क्रिपको है तो देखो बीज के लिए जो आपका प्रोग्राम है उसके लिए मेन चीफ प्रमोटर है यहां पर को, उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक्सपोर्ट लिमिटेड था उसके लिए मेन जो चीफ प्रमोटर था वो कौन था आपका यहाँ पर जो है गुजरात जो आपका मेन कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात हो रही थी तो वो था और उससे पहले जो हमारा यहाँ पर नेशनल जो आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला था उसके लिए जो चीफ प्रमोटर था वो कौन था आपका वहां पर आ, नाम भूल गया इफ सॉरी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था ना? तो ये आपके यहां पर इन तीनों को जरूर ठीक है में तीन हैं। और बहुत होते हैं। आप चाहे नाबार्ड के एग्जाम में जा रहे हो चाहे आप एफ के एग्जाम में जा रहे हो आप यूपीएससी के एग्जाम में जा रहे हो आप जो है सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जा रहे हो या फिर आप आईसीआर के एग्जाम में जा रहे हो इनके बारे में बातें होंगी प्रेजेंट टाइम में आपका जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन

ऑपरेटिव इसके साथ में जो आपके यहां पर और भी बहुत सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इन तीनों कोऑपरेटिव के अलावा आपका सहकार से समृद्धि आपने एक प्रोग्राम के बारे में सुना होगा सहकार से समृद्धि जो है वो एक प्रकार से इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो कोऑपरेटिव है उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का नाम आपने सुना होगा जो कि 2021 में अलग एक आपका यहां पर मिनिस्ट्री बनाया गया था और उसका मेन टारगेट यही था कि सहकार से समृद्धि तो उसका मतलब यह था कि सब लोगों को एक नजर

के अंडर में भी 48 गए है, 48 हैं 48 नए उनके लिए गए मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो आपका यहां पर आप अगर फोर्टी इनिशिएटिव को याद करना चाहो तो उनको कर भी सकते हो क्योंकि हो सकता है कि उनमें से किसी को स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस देकर आपका जो है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तो यहां पर यह फोर्टी एट वरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम के अंदर

क्वेश्चन uh, को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करके आंसर करना तो वो आप तभी कर सकते हो जब उस पर्टिकुलर के बारे में जानते हो अगर आपने उसका नाम ही नहीं सुना है तो आप डेफिनेटली ब्लैंक हो जाओगे और फिर वहां पर या तो आप क्या करोगे अकड़बकड़ ममे वो और आपका तुका मारने का काम करोगे तो उससे आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा लेकिन अगर आप एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर जाते हो तो डेफिनेटली आपको आंसर करने में आसानी हो जाएगी ठीक है तो इसीलिए मैंने यहां पर इन तीनों के बारे में आपको बताने की कोशिश की है उम्मीद करता हूं कि ये तीन तो आपको एटलीस्ट हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आपको याद भी हो गए होंगे ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका यहां पर जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए कि प्रधानमंत्री सॉरी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ फ्री ग्रेन अंडर विथ स्कीम फॉर अनदर फाइव बेनिफिटिंग द 813 मिलियन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज विद 5 किलोग्राम ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेन पर मंथ फ्री ऑफ द कॉस्ट मतलब क्या है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आपकी स्कीम को अगेन जो है आपका एक्सटेंशन दिया गया है और यह स्कीम के अंडर में क्या किया जा रहा है कि आपका अगले 5 साल के लिए जो आपके 813 मिलियन आपके बेनिफिशरीज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में उन सभी को पांच किलोग्राम तक का जो स्पेसिफाइड ग्रेन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा

आप में से कुछ बच्चों ने सी आंसर किया है और एक ने डी भी किया है तो अगर मैं बात करूं तो आपका 99% जो बच्चे आंसर कर रहे हैं दैट इज राइट आपका स्कीम जो है वो कौन सी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसके अंडर में आपके जो यहां पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो लोग हैं उन सभी को क्या दिया जाएगा पांच किलोग्राम तक का स्पेसिफाइड ग्रेन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अब देखो यहां पर ये जो स्कीम है इस स्कीम के बारे में मेरे कुछ मत है मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्कीम क्या है तो देखो आपको पहले बताना चाहूंगा

E अंत्योदय अन्य योजना के अंडर में आते हैं और आपके जो यहाँ पर फिजिकल uh, जो आपके uh, जो दो प्रकार के कार्ड होल्डर होते हैं उन सभी को ही इसके अंडर में क्या दिया जा रहा है आपका यानी कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उन सभी को ही आपका पांच किलोग्राम ग्रेन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जा रहा है तो इसके अंडर में क्या हो रहा है कि आपका यहां पर एक प्रकार से जितना भी एलिमिनेशन था यहाँ पर कोविड नाइन्टीन के पैंडेमिक में जो स्पेसिफिक दिया गया था कि भाई इन्हीं लोगों को मिलेगा वो हटा दिया गया है और अब सब लोगों को क्या दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका राशन दिया जा रहा है

आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देकर देखो आपके लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए आपके लिए हेल्थ फ्री होना चाहिए ये चीजें बिल्कुल जायज बात है लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके फूड के रिस्पेक्ट में तो लिमिटेड लोग हैं जिनको फ्री में फूड मिलेगा तो शायद बेटर रहेगा लेकिन अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो उस स्टेट का या उस कंट्री का जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा और उनके लिए जो एक प्रकार से एक्स्ट्रा बजट होगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट की स्कीम है उसमें बढ़ता चला जाएगा और अगर प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो जो

भरी जा चुकी है कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हम सवाल खड़ा करना ही नहीं चाहते हमें के इतना इस के तुम्हें जो है मार दिया जाएगा और यही सबसे बड़ी समस्या है प्रेजेंट टाइम में माफी चाहता हूं शायद कुछ गलत बोला हो सकता है कुछ लोगों को सही भी लगे कुछ लोगों को गलत लगे लेकिन अगर ये बात आप लोग ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा कि अल्टीमेट जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो

आप क्यों बोल रहे हो तो बोलने की जो आपकी क्षमता है उसको खत्म किया जा रहा है और आपकी गुलाम मानसिकता को कहने कहीं और गुलाम किया जा रहा है जो भी लोग फ्री आपको अनाज दे रहे हैं और जो भी फ्री आपको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिशेज दैट लाइव इन द फ्रेश वॉटर बट ब्रीड इन द ऑसियन उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऐसी ब्रीड जो कि आपकी यहां पर क्या है फ्रेश वाटर के अंदर तो जिंदा रहती है लेकिन ब्रीड करने के लिए आपके कहां जाती है ओशियन में जाती है सोल्ट वाटर में जाती है उसके बारे में बताओ तो कौन सी ब्रीड है आपकी यहां पर ऐसी कौन सी फिश है कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया एनेड्रोमस होगा कैटाड्रोमस होगा एम्फिड्रोमस होगा या फिर आपका ओसियन ड्रोमस होगा वेरी गुड गुड आप ने से दो बच्चों ने आंसर किया है क्या आंसर किया है कैटा ड्रोमस और अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पर बताना चाहूंगा कि कि चार प्रकार की फिश है पहली है है पहली आपकी पैट, आ, जो आपकी जो क्या होती है? केवल फ्रेश वाटर में लाइव रहती है ऑशियनोड्रोमस वो की आपकी सोल्ट वाटर या ओशियंस में लाइव रहती है या ओशियंस में ही माइग्रेट करती है केवल और केवल नेक्स्ट आपका आता है डाई एड्रोमस तो यहां पर यह प्रकार की स्पीसीज होती है जिसके अंदर आपका ब्रीड कहीं और करती है और लाइव

आपका फीडिंग होता है ना कि वहां पर ब्रीडिंग परपस ठीक है तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है हाउ मच लाइम इज रिक्वायर्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉर द करेक्टिंग पीएच फ्रॉम 4.5 टू 5 जल्दी से आंसर दीजिए कि आपका यहां पर जो है एक आपका पीएच जो है हम लोग जो फिशेस पॉन्ड के अंदर यूज करते हैं आपका 4.5 से अगर हम 5 पीएच उसको पीएच को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कितना लाइम ऐड करना पड़ेगा 500 किलोग्राम 2000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम या फिर आपका 1500 किलोग्राम तो जल्दी से आंसर दीजिए कि आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है ऑन वेरी गुड बोलो भाई शरद राउत रमनदीप अविनाश देव सचिन बिश्नोई बी, 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 बी आई थिंक लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा होगा अभी शरद राउत ने अभी भी बी किया है और सूर्या ने बी किया है सज्जन डी किया है मनी चंदन ए किया है ओके नदीम बी ओके राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर आपका बी 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है सॉरी लाइम रिक्वायरमेंट आपका अगर हम बात करेंगे तो 4.5 से जो आपका फाइव uh, है तो उस केस में यहाँ पर आपका uh, two, थाउजेंड uh, होगा और अगर आपका पी अगर वहां पर पॉन्ड uh, का फाइव 6.5 है तो उस केस में वो आपका वन हो 500 होगा 7.6 से 8.5 के बीच में आपका 200 होगा 8.6 से आपका 9.5 के बीच में नील होगा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है विच स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फिश फीचर्स ए योक हैंगिंग बिलो हैंगिंग बिलो प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन फॉर अप्रोक्सीमेटली टू टू थ्री डेज मतलब है कि एक फिश की स्टेज है जैसे आप लोग जानते हैं कि फिश जब ब्रीड करता है फिश जब निशल में आपका आ, जब प्रोड्यूस होता है तो उसके प्रोडक्शन के तुरंत बाद हमारा जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि योग सैक आपका प्रोवाइड करता है फूड क्योंकि उस टाइम पर आपका फिश का माउथ डेवलप नहीं हुआ होता और उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं आपका हैचलिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं हैचलिंग और यहां अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी प्रॉपर स्टेजेस हैं जिसके अंदर पहली स्टेज आपकी हैचलिंग ही होती है टोटल सिक्स स्टेज है सेकेंड आपका स्पोन होता है उसके बाद आपका फ्राई होता है फिर फिंगरलिंग होता है जुवेनाइल होता है एडल्ट होता है ठीक है तो ये आपके अलग अलग स्टेजेस हैं जिनको यहां पर आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि इनके रिलेटेड में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है विथ्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डेजर्ट लोकस्ट आपका डेजर्ट लोकस्ट के बारे में यहां पर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दे बिलोंग्स टू फैमिली क्या आपका एक्रीडी फैमिली से बिलोंग करते हैं दूसरा आपका ऑप्शन है यहां पर द लाइफ साइकिल कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्राइजेज ऑफ फोर स्टेजेस एग कैटरपिलर प्यूपा एंड अडल्ट नेक्स्ट आपका थर्ड ऑप्शन है द अडल्ट कैन कंज्यूम द फूड इक्वल टू इट्स बॉडी वेट इन ए डे एंड फोर्थ ऑप्शन है सोलेट्री अडल्ट आर ब्राउन वेर इज ग्रेगेरियस अडल्ट आर पिंक Immature and yellow mature. कि यहां पर आपका जो है सोलिटरी होते हैं लेकिन जो ग्रेगेरियस अडल्ट होते हैं वो पिंक हो गए जो आपके इमेच्योर होते हैं अगर और मेच्योर होते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे आपके येलो हो जाएंगे तो क्या इसमें से आपका कौन सा टर्म बिल्कुल सही है रिगार्डिंग द डेजर्ट लोकस तो आपका प्रेजेंट टाइम में एंटोमोलॉजी को देखते हुए यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो ए एफ है आपका नाबार्ड है आपका आर आर बी एस ओ है या फिर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम है तो उनके लिए आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपके लोकस्ट को लेकर प्रीवियसली अगर देखा जाए तो इनका अटैक पिछले दो तीन सालों के अंदर काफी ज्यादा रहा था और अभी प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई uh, अटैक होता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है तो इसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को हम लोग अच्छे से याद करें तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या होगा Come on, very good. B. आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया कि इसका क्या होगा आपका बी क्योंकि यहां पर इसके अंदर फोर स्टेज नहीं होती देखो इसमें अंदर आपका टोटल थ्री स्टेज होता है पहला होता है एग दूसरा होता है होपर और तीसरा होता है आपका अडल्ट ठीक है तो ये आपको बिल्कुल सही आपने पहचाना नेक्स्ट है यहां पर लोकस्ट आर्दा स्वार्मिंग फेज ये हो गया और फैमिली इसकी एग्रेडी होती है बिल्कुल सही है सम ग्रास ओपर स्पीसीज ट्रांसफॉर्म इंटू लोकस्ट वेन कंडीशन फेवर एग्रेग्रिय बिहेवियर सैरोटिन हॉर्मोन ट्रिगर्ड बाय द ड्रॉट लाइक एनवायरमेंट प्रॉम्ड लोकस्ट स्वार्मिंग यानी कि यहां पर कौन सा हॉर्मोन है जो कि

रिगार्डिंग एग्रोनॉमी भी कह सकते हैं रिगार्डिंग आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं या फिर फार्म टूल और इंप्लीमेंट के रिगार्डिंग अगर आप बात करते हो तो फार्मिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग भी इसको बोला जा सकता है तो कमोन जल्दी से बताइए तो यहां इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बनती है आपके इवन दो स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में एफओ में नाबार्ड में आपके ठीक है तो इन क्वेश्चंस के लिए आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली इनके एग्जाम में अगर आप जा रहे हो ठीक है डब्ल्यू वगैरह अगर आप लोग जैसे उत्तराखंड में रिसेंटली एग्जाम हुआ था तो उन सभी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा आ, बी 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 आप में से काफी बच्चों ने आंसर क्या किया है बी और आपका आंसर यहां पर क्या होगा बैक फरो देखिए जो आपका उठा हुआ पार्ट होता है ना वो हमारा क्या होता है बैक फरो होता है लेकिन जो आपका बिल्कुल फरो टाइप पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है अंदर डेड फरो होता है ये चीज ध्यान रखना अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका यहां पर आ, जो फरो है फरो का मतलब क्या होता है कि ट्रेंथ जो आपका एक प्रकार से गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर बनता है आपने देखा होगा इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा क्या होता है फरो और ये हमारा क्या होता है रिज ये आप लोग हमेशा याद रखना फरो

पार्ट का हम लोग प्लोइंग करते हैं तो इस पार्ट को हम लोग प्लोइंग प्रकार से करते हैं तो ये हमारा प्लो करने का के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिए आपका क्या होता है कम ऑन वेरी गुड थैंक यू सो मच पवन हेडलैंड टर्निंग पॉइंट में जो प्लेस बच जाता है वो हेडलैंड सर क्वेश्चन बायलिंगुअल हो सकते हैं क्या देखो क्वेश्चन बायलिंगुअल होने की क्या जरूरत है आप पूछ सकते हो मुझसे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा और बाकी दो जो है अगर आप सोच रहे हो बायलिंगुअल तो यार एक्चुअल में क्या होता है कि क्वेश्चन जब अच्छा क्वेश्चन देखो यार कॉपी पेस्ट अगर करके लेके आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आना होता है क्वेश्चन को बनाना होता है तो उस केस में थोड़ा सा समय कम मिलता है और कोई दिक्कत नहीं है प्रेजेंट टाइम में समस्या ये नहीं कि आपको देने को जितना मर्जी दे दो है ना और अगर कॉपी पेस्ट करके कचरा ही लेकर आना है तो फिर तो मैं आपको लिंक बता दूं इससे अच्छा है कि आप लोग जाकर उसको परचेज लोगे या फिर आप लिंक में जाकर फ्री देख लोगे तो वो आपको मिल जाएगा तो वो उससे मजा नहीं आता आपने क्वेश्चन को देखा होगा जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, आपके पास ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लायक होते हैं ना? ऐसे नहीं कि मतलब किसी को भी उठाया और ऐसे करके आपके सामने किसी का भी कर रहा हूं या किसी का भी हूं ऐसा नहीं बहुत रेयर होगा जब क्रोमोजोम में क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा तभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा 99 परसेंट अदरवाइज किसी का साइंटिफिक नेम किसी नंबर

डू नॉट गेट डेमेज बट एक्स्ट्रा प्लांट एंड बरोड लीफ वीड आर द अपरूटेड ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोला गया कि एक ऐसी टर्म है टीलेस के अंदर जिसको हम लोग सीडिंग के या प्लांटिंग के तो बाद करते हैं बट आपकी क्रॉप के जर्मिनेट से पहले करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्रॉप की अर्ली स्टेज में ताकि आपका क्रॉप तो डैमेज ना हो पर वहां पर जो एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो हो चुके हैं या कोई वीड का प्लांट ग्रो हो चुका है उसको हम लोग वहां पर क्या कर सके आपका अप्रूव कर सके तो ये जो आपकी टर्म बताई गई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है प्राइमरी टीलेस को रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी टीलेस को रिप्रेजेंट कर रही है ब्लाइंड टीलेस को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर आपका आफ्टर टीलेस को रिप्रेजेंट कर रही है कमॉन डेड फ्रो के बारे में बताना कोई बात नहीं डेड फ्रो के बारे में बताता हूं लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सुनो इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर उसके बाद मैं उस बात को डिस्कस आपके साथ करता हूं दोबारा से कमऑन Blind is, बहुत बढ़िया। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही कर दिया कि आंसर क्या है आपका? Blind देखो, आप अच्छे से जानते हैं कि शुगर केन है और अब उस एक महीने के ड्यूरेशन में आप लोग जानते हो कि जो आपके अननेसेसरी प्लांट जिनको हम लोग वीड बोलते हैं ये प्लांट क्या कर जाते हैं फील्ड में ग्रो कर जाते हैं और अब अगर इनको केमिकल से आपका ट्रीट करके हम लोग कहीं ना कहीं किल करते हैं तो एक तो थोड़ा सा आपका केमिकल का जो रेजिड्यू इफेक्ट है वो बढ़ेगा दूसरा हम लोग वहां पर आपका फील्ड में क्योंकि अभी तक क्रॉप जर्मिनेट नहीं की है और आपका अगर फील्ड के सरफेस के ऊपर हम लोग टिल कर देंगे तो क्रॉप को भी जर्मिनेशन में क्या मिलेगी हेल्प मिलेगी तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर सरफेस के ज्यादा में नहीं केवल सरफेस सरफेस पर आपका टिल करके आपके प्लांट यानी कि जो अनवॉन्टेड प्लांट आपके जो ग्रो हो चुके हैं जो वीड ग्रो हो चुका है उसको किल करने का काम करते हैं अपरूट करने का काम करते हैं और यह प्रोसेस हमारी की जाती है किसके द्वारा ब्लाइंड टीलेस के द्वारा ठीक है तो ये हमारा क्या होगा आपका ब्लाइंड टेलेस होगा ठीक है आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया लेकिन अभी किसी ने पूछा कि सर डेड फ्रो क्या है तो आप एक बार दोबारा बताओ देखो मैंने क्या बोला जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या कर रहा हूं आपका प्लोइंग कर रहा हूं ठीक है प्लोइंग करते टाइम आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लो है प्लो क्या करता है प्लो आपका एक प्राइमरी टेलेस इंप्लीमेंट है और ये आपका प्लो क्योंकि नाम ही इसका प्लो है तो ये क्या करेगा आपका मिट्टी को पलटने का काम करेगा अब मिट्टी को पलटने का काम करेगा तो सिर्फ फॉर एग्जांपल ये क्या होता है इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा सा चलता है और जब मिट्टी को यहां पर क्या चलेगा चलेगा ना तो एक तरफ से मिट्टी आपकी उखड़ती हुई यहां पर आपकी पलटती हुई चलेगी और ये आपका इस प्रकार से यहां तो आपका जो पलटता हुआ पार्ट चलता जा रहा है तो मिट्टी के इधर पलटने की वजह से इधर एक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये हमारा रिज जैसे हमारी रिज होती है फील्ड के अंदर ठीक है उसके टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या बैकफरो क्या बोलते हैं आपका बैकफरो लेकिन जो आपका यहां पर जो पार्ट ट्रेंच लाइक -like बन गया है जैसे हमारी रिज के साथ में फरो होती है तो वो जो पार्ट आपका बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका डेड फरो जब आप प्लोइंग लास्ट में कर देते हो तो लास्ट में यही पार्ट बचता है और इसी के लिए बोला जा रहा है कि जो आपका यहां पर ओपन ट्रेंच बच जाता है क्या बच जाता है ओपन ट्रेंच बच जाता है बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर फिनिशिंग द प्लोइंग इज कॉल्ड एज ए डेड द्लोइंग्रो समझ में आ गई बात तो ये हमारा क्या कहलाएगा आपका डेड फ्रो कहलाएगा समझ में आ रहा है तो एक बैक फ्रो है और एक आपका डेड है है ठीक ये दोनों की, की जाती है और आपका हेडलैंड भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्लोइंग करते टाइम आपका ट्रैक्टर जब टर्न करता है तो वो जो पार्ट आपका रिमेनिंग बच जाता है जिसको प्लो नहीं कर पाते हैं तो उसी पार्ट को बोला जाता है हेडलैंड के साथ ठीक है चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर अगला क्वेश्चन हो चुका है इसको आप लोग समझ गए होंगे अब ये आपके स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं कुछ जिनको आप लोग जानते हैं अच्छे से ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सब सोइलिंग सब सोइलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर मेनली क्या होता है कि जो आपका कई बार जो जैसे फॉर एग्जाम्पल लगातार हम लोग कंटिन्यूसली प्राइमरी सेकेंडरी टीलेस करते रहते हैं लेकिन जो सब सोइल होती है उसमें एक हार्ड पैन बन जाता है जिसकी वजह से जो परकोलेशन होता है या जो आपका नॉर्मल जो डीप रूटेड क्रॉप होती है उनकी रूट प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाती है और आपका परकोलेशन प्रॉपर

50 से 60 तो आ रहे थे सर टॉप रैंक आ रही थी सर तो उसमें उसके बावजूद भी मेरा प्रस नहीं निकला तो मुझे नहीं पता की आपका फिलिम्स कैसा है लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि एक बार आपका जो एक स्मार्ट कीड़ा करके नाम एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपका जो टेस्ट है उसको दे करके देख लीजिए और अगर आप वहां पर भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो टेस्ट है उनके अकॉर्डिंग तो मैं उम्मीद करके आपको बोल सकता हूं कि डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा है और फिर आप जो है अपना मेन्स के ऊपर भी आधा फोकस फोकस कर सकते हो लेकिन फिलीम्स की भी थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग साथ में करते हुए चलिए ठीक है अगेन मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं क्वेश्चन यहां पर है विच टिपिकली डिपोजिट इट्स एग इन द सोइल ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो कि मेनली अपने एग्स को डिपोजिट करता है सोइल के अंदर तो यहां पर पिंक बोलवोम होगा कॉटन व्हाइट फ्लाई होगा स्पोर्टेड बोलवोम होगा या आपका रेड कॉटन बग होगा कम ऑन जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या आपका आंसर यहां पर हो सकता है अब माली ने डी किया है एग्रीकोस ऑफिशियल ने डी किया है श्री कैथम ने स्पोर्टेड बोलवोम किया है और देव ने ए किया है जूही गुप्ता ने भी सी किया है वेरी uh, hmm, गुड हम्म बिल्कुल बिल्कुल Good. देखिए अगर आपका आंसर यहां पर रेड कॉटन बग है तो बिल्कुल सही है अदरवाइज आपके आंसर पिंक बॉलवॉम कॉटन व्हाइट स्पॉटेड बॉलवोम ये आपके गलत हो गए देखो यहां पर अगर हम बात करें देखो इमेज को भी देख पर आप आंसर कर सकते थे पहली बात तो ये है ठीक है दूसरी बात अगर चलो कोई दिक्कत नहीं आपने नहीं किया समझाता हूं क्या होता है कि एग आर लेड इन द लूज मासेस इन द दॉल जो आपका रेड कॉटन बग है डिसकस दे, आपका सिंगुलेटस तो ये आपका एक इसका साइंटिफिक नेम हो गया और लिंट स्टेंट रेड एंड बो Ball showing sign of decay, कि कई बार जब इसका अटैक होता है रेड कॉटन बर्ग का तो नॉर्मली क्या हैलर है, का हो जाएगा और बाहर से जो आपका बोल होता है, जो है आपका अगर बॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके वॉटर शॉक लेसन जो होंगे देखने को मिलते हैं और अबोटेड यंग बोल्स टर्निंग डाउन बैक तो आपका यहाँ पर जो यंग बोल्स होता है वो नॉर्मली

द एड्रेस एग प्रेजेंस मतलब जो फर्स्ट प्लोइंग करते हैं प्राइमरी प्लोइंग करते हैं तो मेनली आपका जो सनलाइट है उसके अंदर हम लोग उसको एक्सपोज करें ताकि वो आपके जो एग्स हैं वो सन की लाइट की वजह से ज्यादा धूप की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनके एग्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके वो एक इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस का हमारा पार्ट रहता है तो इसको आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है आ... सॉरी uh, संदीप मैं इसका आंसर आपको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली ये एक गलत बात होगी कि मैं आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर आपको दूं ठीक है अच्छा एक मनी ने क्वेश्चन किया था कि सर जो सब सोइलर है और चीजल प्लो है इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस जो है वो आपका क्या होता है बिल्कुल आपकी बात सही है वैसे दोनों के दोनों जो हमारे सब सोइलर होता है और आपका यहाँ पर जो चीजल प्लो होता है ये दोनों ही क्या करते हैं आपकी सॉयल के अंदर नॉर्मली आपका अगर आप लोग देखोगे तो इसको आपका यूज किया जाता है

नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका यहां पर अगला क्वेश्चन है सिल्क इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट जो आपके सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर किस पार्ट से आपका सिल्क जो होता है, वो होता है क्या वो लेबियल ग्लैंड से होता है या एबडोम से होता है या वो आपका मैंडिबल से होता है या फिर आपका मैंडिबुलर ग्लैंड से होता है कम ऑन वेरी गुड इसका आंसर दीजिए भाई वेरी गुड शाबास क्या डी ओके डी 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 ए चंदू ने ए किया है हृदयपाल ने डी किया है बाकी लोग अभय माली ने ए किया है मणिचंदन ने डी किया है चलिए अगर आप लोगों ने आंसर यहां पर लेबियल ग्लैंड किया है तो आंसर आपका सही होगा अदरवाइज आंसर आपका गलत होगा देखिए यहां अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में आपको बताना चाहूंगा कि सिल्क जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है सेलेवरी ग्लैंड से जिसको हम लोग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं सिल्क जो प्रोटीन है वो आपका इसके अंदर मेनली सैरिसिन होता है और आपका क्या होता है फेब्रोइन प्रेजेंट होता है ठीक है दोनों प्रोटीन के टाइप है दोनों ही एक सेन और एक आपका फेब्रोइन सेल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है सिल्क मोथ की आपकी रेयरिंग करना मोरीकल्चर का मतलब होता है कि मलबरी प्लांट को रेयर करना स्पेसिफिकली फॉर द आपकी स्पीसी विच आर रेयर ऑन द

कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट इन लीफी स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन द ग्रीन ईयर इमटम इज प्राइमरली ड्यू टू द बाय द विच पैथोजन इनमें से कौन सा पैथोजन है जिसकी वजह से बाजरा के अंदर आपका जो फ्लोरल uh, पार्ट होते हैं जो आपके एक प्रकार से रिपोरेटिव uh, पार्ट होते हैं फ्लावर पार्ट होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है तो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि ये किसके पैथोजन के या कौन से पैथोजन के अटैक की वजह से ये कंडीशन आपको आपके बाजरा के अंदर देखने को मिलती है तो क्या वो क्लेविसेमिस की वजह से होता है या स्क्लेरोस्पोरा, की वजह से होता है या आपका पक्सिनिया ग्रामिन की वजह से होता है या वो आपका आ, सिलेरी की वजह से होता है ऑन वेरी गुड तीस ने ए किया है सचिन ने ए किया है अंकुश ने भी ए किया है और सूर्यकल्पना कल्पना ने डी किया है ओके पंकजी देव डी जूही गुप्ता ए जैक्सपो स्पैरो ए, जैक्सपेरो। आंसर क्या होगा स्क्लेरोस्पोरा, ग्रामी देखो आप लोग जानते होंगे कि यहां पर ग्रीन डियर डिजीज बाजरा या फिर डाउनी मिल्डियो बाजरा ये स्क्लेरोस्पोरा स्कलैरोला की वजह से होता है जिसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो आपके फ्लोरल ऑर्गन होते हैं ये क्या हो जाते हैं लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो प्रोसेस आपकी होती है मेनली इसी फंगस की वजह से होती है और ये आपका इसको डाउनी बाजरा भी कहा जाता है या फिर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा भी कहा जाता है ठीक है तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा फॉर्मिस ठीक है चलिए गुड एग्री कोच ने भी बी किया था और विजय कुमार देखो अगर आप लोग गलत आंसर कई बार कर देते हो ना तो मतलब टेंशन मत रखा करो गलती इंसान से होती है और गलती होने के बाद ऐसे नहीं कि मिटाएं है ना कोई देख लेगा और बाद में क्या बोलेगा कोई क्या कहेगा ऐसा कुछ नहीं है आप लोग अपने आप में स्टेगनेंट रहिए गलतियां करोगे तभी आप सीख पाओगे लेकिन अभी मौका है अभी गलतियां करके सीख सकते हो एग्ज़ाम में गलती करने का मौका नहीं होता उस टाइम फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है ठीक है तो उस टाइम बेटर है कि गलती करने से पहले हम आज ही गलती कर लें और इस गलती से हम लोग सीख लें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा ठीक है चलिए तो थैंक यू सो मच आपका सेशन आज का इतना ही था उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं पसंद आया है तो उसका भी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है और आने वाले सेशंस को और बेटर इंप्रूव करेंगे लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम के साथ साथ आप इंस्टाग्राम फेसबुक और हमारा ट्विटर चैनल भी हैंडल जो आपका है उसको ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसके साथ साथ में आप बाकी बच्चों को भी शेयर करें अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है अच्छे लगते हैं उनको भी जरूर बताएं ताकि इसी प्रकार से हम लोग भी आपके साथ ग्रो कर क्योंकि एक पर्सन जो हमेशा जिंदगी भर सीखते रहते हैं वो टीचर्स ही एक प्रकार से मानता हूं कि वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सीखता है ना क्योंकि हम आपको सिखाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप जब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो कई बार हमें नहीं आते तो हमें देखना पड़ता है हम जाकर पढ़ते हैं तो उससे हमें और नॉलेज मिलती है तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट खुद का कर रहे होते हैं ठीक है तो डेली डेली आपका आज चार साल के अंदर जो इंप्रूवमेंट हम लोगों ने गेन किया है वो आप लोगों की बदौलत है थैंक यू सो मच आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत